बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, मैं हूं अख्तर सियाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अख्तर विलेज व्लॉग। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग की जानब जाने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर ऐसी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये आपके हमारे लिए सपोर्ट होती है, ये सब फ्री ऑफ कास्ट है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। ये आज हम इधर धान की फसल में खड़े हैं, धान को कोई मसला बन गया है। इसके तकरीबन ये सीटे वगैरह निकल आए तो इसके ऊपर थोड़ा सा निशान पड़ रहे हैं ब्लैक से, तो वो भी स्प्रे वाले आए हैं भाई, उनके उनको चेक कराते हैं कि इनको क्या मसला है। ये अभी धान में आ गए हैं तो ये अभी ना इसके ऊपर ये निशान से काले से पड़ रहे हैं, काले से धब्बे पड़ रहे हैं, तो ये अभी भाई से मशवरा करते हैं कि इसको क्या मसला है और बाद में इसका स्प्रे वगैरह लेकर इसके ऊपर करते हैं। ये भाई रियाज ने हमारे इधर धान की फसल को चेक कराने के लिए ये भाई नुमान को ले आए हैं। ये अभी चेक करते हैं कि हमारे ये धान को क्या मसला है और इसके लिए कौन सा स्प्रे रिकमेंड करते हैं। भाई नुमान चेक करें ना धान को। अच्छा ये देखें, ये जो है ना ये जो ब्लैक हो रहा है। हाँ जी, ये ब्लैक हो रहा है। हाँ जी, ये होता है, ये बीमारी लगती है इसे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैनिक। ठीक है, इसमें ना जो दाने हैं ना ये काले होने लगे। सही है, एंड पे जो आपके प्रोडक्शन में जो है ना ये फ़र्क आ जाता है। सही है, इसके लिए ना आप इस वक्त ना ये स्प्रे कर दें। ठीक है, कौन सा वो रिकमेंड कर दें? डायमंड एग्रो केमिकल्स का है, सुपीरियर के नाम। ठीक है, तो उसको आप स्प्रे कर दें ये सुबह के टाइम जब त्रेल हो या यानी कि ठंड हो, ठंड हो, ठंड के वक्त कर। हाँ, इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कितने के दिन में असर हो जाएगा इसका? ये इसका तकरीबन 3-4 दिन बाद ना आपको असर दिखाई देने लगेगा। अच्छा, तो ये कर दें और एक डोज तकरीबन हफ्ते के बाद दोबारा कर दें। नहीं तो ये तो तैयार हो जाएगा हफ्ते के अंदर अंदर तक। तो नहीं, उसके बाद भी जो दाने होते हैं ना वो। अच्छा अच्छा, दाने जब इसमें दाना पड़ जाते। आज हम ये चार दीवारी गिरा रहे हैं तो ये अभी इधर फजूल खड़ी थी, इस खतरनाक थी, कहीं गिर ना जाए, इसलिए हमें इसको आज गिरा रहे हैं। चार दीवारी को हाफ गिराना है और ये ईंटें इधर ज़रूरत लगानी है, ये पीछे चार दीवारी खड़ी है उस पर लगानी है। शाहदेव इधर आओ, ये भी मेरा छोटा ना कजन खड़ा है, ये भी मेरे साथ हेल्प करा रहा है। ये शाहदेव भी आ गया, ये भी अभी ये काम करने लगा। नुकसान ही करेगा, काम थोड़ा ही करेगा। ओए शाहदेव नीचे आओ, गिरते हैं आप, नीचे आ जाओ, चल बस कर। महबूब, महबूब नहीं, नुकसान ही कर दिया, नीचे गिरा दी का दीवार को। ये भी इधर तक इसको गिरा दिया है, अभी इसको ऊपर से बराबर करेंगे। अभी ये मिस्त्री बुलाकर आगे ये चार दीवारी भी मुकम्मल करेंगे, ये ईंटें इधर से निकाल कर उधर लगाएंगे और ये भी बराबर करेंगे। इधर जानवरों के लिए हमने बरामदा बनाना है। ये चार दीवारी ऊपर वाली दीवार तक थी, अभी इसको गिरा दिया, इसको अब बराबर करेंगे, ऊपर से इसके एक दो बार लगाएंगे। और ये जो ईंटें बनी हैं इधर से निकली हैं, ये पड़ी हैं, ये अब ये भी अभी उतारनी पड़ेगी। ये पहले इधर तक रखा था लेकिन ये ज़्यादा ऊंचा है, इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। ऊंचा हो तो ये अगर कहीं आंधी वगैरह है तो उससे गिर जाएगी, तूफ़ान वगैरह से। अभी ये जो ईंटें निकली हैं ये अभी ये चार दीवारी पे लगाएंगे, ये चार दीवारी भी ऊंची हो जाएगी और इस चार दीवारी का
एक फ़ायदा है कि अभी इसकी दूसरी साइड पे ना हम जानवरों के लिए बरामदा बनाना है। तो ये साथ इधर ये छोटा सा दरवाज़ा है, इसको अभी बंद करेंगे तो दरवाज़ा इधर से निकालेंगे, ये इधर से जानवरों के लिए भी रास्ता बन जाएगा और इधर हम खेतों में जाने के लिए भी रास्ता बन जाएगा, फार्म वगैरह के लिए जाने के लिए। तो ये अभी मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, उसके 2-3 दिन लग जाने हैं जैसे ये बरामदा भी तैयार हो जाएगा जानवरों के लिए। तो साथ में ये भी एक कच्चा सा खड़ा है, ये इसमें पहले हम बकरियां वगैरह बांधते थे, अब इसको भी गिरा देना है। तो इसके लिए हम ये सारा सेटअप कर रहे हैं। ये भी मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो मैंने कहा यार ये आज ये काम कर लेते हैं, तो ये भी मुकम्मल तो नहीं हुआ लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमको हमारे इस पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी मिस्त्री से बात करते हैं तो उसको बुला कर इस पे जो 1-2-3 दिन लगते हैं वो इस पे लगाएंगे। मटेरियल तो सारा पड़ा है लेकिन अभी मिस्त्री और मिट्टी वगैरह ले आनी पड़ेगी गारे के लिए, गारे से इसकी चुनाई कराएंगे। तो ये इसका बाद में इसको देखते हैं आगे क्या होता है।